नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हैं, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। दोस्तों, इस बार पौषी पूनम 6 जनवरी शुक्रवार के दिन आ रही है। ये पूनम 6 तारीख शुक्रवार के दिन सुबह 2:14 से शुरू हो जाएगी, जो 7 तारीख को सुबह 4:37 पर समाप्त हो जाएगी। तो जो पूनम मनाई जाएगी, जो व्रत उपवास वगैरह रखा जाएगा, वो तमाम चीजें शुक्रवार के दिन ही आपको करनी है। जो भी उपाय आपको बताए जा रहे हैं पूनम के, वो तमाम उपाय आपको शुक्रवार के दिन ही फॉलो करने हैं। दोस्तों, शुक्रवार के दिन वैसे भी आप यदि सफेद चीजों का दान करते हैं, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो सदैव आपके घर में धन आता ही रहता है, कभी भी घर में गरीबी नहीं आएगी। और इस बार तो पूनम है, शुक्रवार है और 6 तारीख है, ये तमाम चीजें एकत्र होकर के माता लक्ष्मी की शक्ति को जबरदस्त रूप से बढ़ा रही है। 6 का अंक भी माता लक्ष्मी का है। पूनम का दिन भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का है, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का है। तो आज के दिन जो पति पत्नी है, संध्या समय एक काम कर जरूर करें जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूं। यदि आपने व्रत उपवास किया है तो भी करें, व्रत उपवास ना किया हो तो भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं। वैसे पौषी पूनम का व्रत रखने से कभी भी घर में निर्धनता नहीं आती, संतानहीनता नहीं आती, घर के अंदर कलेश नहीं होता, घर का माहौल बहुत बढ़िया बना रहता है और घर की दिन प्रतिदिन प्रगति होती रहती है। इस बार जो पौषी पूनम है, इसमें दोस्तों 3 जबरदस्त योग पड़े हैं, ब्रह्म योग, इंद्र योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, जो आपकी तमाम इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, जो जानकारी मैं आपको देने के लिए जा रही हूँ। यदि अच्छी लग जाए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जितना ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर करें। दोस्तों, 90 साल बाद ये पूनम आई है, पौषी पूनम। ये जो योग पड़े हैं 3 योग, ये व्यक्ति की तमाम इच्छाओं की पूर्ति कर देंगे। जिस उद्देश्य से आप व्रत उपवास रखेंगे, आपका वो उद्देश्य सिद्ध हो जाएगा। जो धन के लिए कर रहे हैं वे धनवान बनेंगे, जो संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं उनके घर में संतान उत्पन्न होगी, जो शत्रु नाश के लिए कर रहे हैं उनके शत्रुओं का नाश होगा। ये पूनम दोस्तों आपकी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करने वाली पूनम है। आज के दिन घर के अंदर भगवान सत्यनारायण की कथा जरूर सुने, भगवान सत्यनारायण के मंदिर में जाकर के आप उनके दर्शन जरूर करें। आज के दिन जितना ज्यादा हो सके दोस्तों दान पुण्य करें। आज पति पत्नी दोनों, यदि घर में संतान नहीं है, जबरदस्त गरीबी है, तो आज चंद्रोदय के समय, वैसे आज का जो चंद्रोदय का समय है वो शाम 4:32 के बाद का रहेगा, फिर अलग अलग स्टेट में अलग अलग समय पर चांद दिखाई देगा। जहां पर भी आप हैं, जब आपको चांद दिखाई दे जाए तो आप एक तांबे के लोटे में या फिर चांदी के लोटे में आप जल भरें, उसमें आप कच्चा दूध डाल दें, मिश्री ले लें, मिश्री डालें, चावल उसमें डाल दें और उसको अच्छे से मिक्स कर दें। जब दूध मीठा हो जाता है, पति पत्नी दोनों ही उस लोटे में हाथ लगाएं और ओम शोम शोमाए नमः इस मंत्र को बोलते हुए आप चांद को अर्ध अर्पित करें। कोशिश करें जो अर्ध आप अर्पित करते हैं उस समय 61 बार आप इस मंत्र को बोलें। और ये दूध, पानी, जो चीजें तीनों मैंने बताई है, आप इन तमाम चीजों को चांद को अर्पित करें। उस समय आपको उन्हें घी का दिया भी अर्पित करना है, अगरबत्ती भी लगानी है। ये क्रिया करते समय आप कोशिश करें, जो भी महिलाएं हैं, कि आपके बालों में गजरा हो, सफेद फूलों का जो खुशबूदार हो। ऐसी कोई इच्छा नहीं है दोस्तों जो पूरी ना हो। जब आप दूध वगैरह उन्हें अर्ध अर्पित कर देते हैं तो थोड़ा सा अर्ध बचा लें और घर में, पूरे घर में आप उसको अनामिका उंगली से छिड़क दें और प्रसाद के रूप में पति पत्नी दोनों ही उसे ग्रहण करें। यदि आपने उपवास रखा है तो जब आप
उपवास खोलने के लिए बैठते हैं, भोजन करने के लिए बैठते हैं, उस समय आप इस दूध को ग्रहण करें क्योंकि इसके अंदर चावल मिश्रित है। ये उपाय दोस्तों आपके तमाम इच्छाओं की पूर्ति कर देगा। करके देखें इसे। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछें अवश्य। जय श्री कृष्ण।